सर आदेश तो यहाँ पे ऐसे आते हैं कि जैसे लगता है कि ये आदेश टाइप कौन करता है और लिखता कौन है, और आदेश कौन देता है, कौन कहता है कि ये टाइप करो ये लिखो। सिर्फ एक आदेश नहीं आता है, एक आदेश जिसका इंतजार हम लोग करते हैं 2017 से कर रहे हैं, 17,000 का आदेश वो सरकार अभी तक देने में नाकाम रही है। लेकिन परिवार सर्वेक्षण का काम करो, बीएलओ का काम करो, मतगणना करो, चुनाव ड्यूटी में जाओ, बाल गणना करो, मतलब दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो उत्तर प्रदेश के अनुदेशक से नहीं करवाते हो या उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र से नहीं करवाते हो। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अनुदेशक को कुछ देना होता है, और वो भी जो कि इस सरकार ने स्वयं पास किया, आज तक हमें इस बात को समझ नहीं आ रहा कि जो चीज को इस सरकार ने स्वयं पास किया वो भी चीज इस सरकार को देने में दिक्कत है। उसके लिए यह सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। अरे परिवार सर्वेक्षण का काम अनुदेशक करे, उस समय अनुदेशक काबिल हो जाता है, अनुदेशक बुद्धिमान हो जाता है, अनुदेशक के अंदर सारी काबिलियत आ जाती है। लेकिन जब अनुदेशक को पैसे देने की बात हो तो आप प्राइवेट वकील खड़ा कर दोगे और उससे डबल बेंच में लड़वाओगे, और वहां से भी जब आदेश आ जाए तब आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे और सुप्रीम कोर्ट में कहोगे कि अरे पीएबी बोर्ड तो कोई संस्था ही नहीं है, पीएबी बोर्ड तो सिर्फ सलाह दे सकती है, जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में पीएबी बोर्ड एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, उसको अधिकार है कि वो जो आदेश देगा उसका पालन करना राज्य सरकार का कर्तव्य है, राज्य सरकार का दायित्व है। लेकिन चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी बनती है शिक्षा को लेकर, चाहे मानदेय की बात हो, चाहे वेतन की बात हो, चाहे पढ़ाई को लेकर। लेकिन समस्या कहाँ है, जब अपनी बारी आती है तब तो फैसला बहुत अच्छा हो जाता है, उस फैसले को लागू करवाने के लिए बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं। लेकिन जब वही फैसला अनुदेशकों के पक्ष में आता है तो कोई सरकार का न प्रवक्ता आता है, न सरकार के मंत्री आते हैं, न सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आते हैं। लेकिन अभी देखिए आदेश आया कि आप उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, उत्तर प्रदेश का शिक्षक, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र 15 जून तक शहर से बाहर नहीं जाएगा, मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगा, और जाएगा उसको सूचना देनी पड़ेगी, और विद्यालय में शैक्षिक कार्य बंद है लेकिन आपको सारे काम करने पड़ेंगे। अरे अध्यापक को तो आप वेतन दे रहे हो, उसको तो जून का भी वेतन मिलेगा, उनको बुलाओ कहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन अनुदेशक को आप क्यों बुलाओगे, शिक्षा मित्र को क्यों बुलाओगे, जब उसको आप पैसा नहीं दोगे तो 1 जून से 15 जून तक क्यों आएगा। और एक गर्मी की छुट्टी भी, हमने तो गर्मी की छुट्टी मांगी नहीं, हम तो तैयार हैं, हम तो 15 जून तक काम करने को तैयार हैं, आप करवाओ ना। लेकिन जो हमारा मानदेय है उसका भुगतान कौन करेगा, आपने 15 दिन ठंडी की छुट्टी कर दी, हम तो मांगते नहीं ठंडी की छुट्टी, हम तो 12 महीने काम करने को तैयार हैं, हमको आप काम करवाइए ना। हम काम करने से उत्तर प्रदेश का अनुदेशक पीछे नहीं हटा है, ना कभी हटा है और ना कभी हटेगा। लेकिन हम पहले कर्तव्य करते हैं, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक पहले कर्तव्य करता है और कर्तव्य के बाद अधिकार की बात करता है। हम पहले अधिकार की बात नहीं करते, हम पहले कर्तव्य करते फिर अधिकार की बात करते, और अधिकार जब हम कर्तव्य करते हैं तो अधिकार की बात करना भी हम करेंगे, अधिकार का बात करना भी हमारे लिए जरूरी है। और सरकार जब हम अधिकार की बात करते हैं तो सरकार हमारे अधिकार की बात को सुनती नहीं है, और नए नए फरमान, ऐसे ऐसे फरमान लाएंगे कि, और जब देखिए
आप काम करवाओगे, आप कहोगे ये अरे आप तो शिक्षक हैं, आपको आपके बिना तो विद्यालय चल ही नहीं पाएगा। अरे जब शिक्षक हैं विधानसभा में, माननीय संदीप सिंह जी कहते हैं कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक तीनों को मिलाकर छात्र अनुपात पूरा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आपको जरूरी है, वहां आपको भर्ती नहीं करना पड़ेगा और भर्ती के बारे में पूछा जा रहा है, तो वहां पर अनुदेशक को जोड़ दोगे, शिक्षा मित्र को जोड़ दोगे। ठीक है, जोड़ दिया, स्वागत है, अच्छी बात है, हम आपके इस कदम का स्वागत करते हैं। लेकिन एक कदम और बढ़ जाइए, आप कहिए कि हमारे शिक्षक हैं और इनको पूरी सुविधा मिलेगी जो उसी विद्यालय में रहने वाले एक शिक्षक को मिलता है। लेकिन इसमें आपको समस्या आ जाती है, इसमें आपके कलम नहीं चलते हैं, ना आपके अधिकारियों के कलम चलते, ना आपके कलम चलते, ना माननीय मुख्यमंत्री जी के कलम चलते, ना माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के कलम चलते। लेकिन जब आदेश जारी होता है तो सबका कलम, अनुदेशकों के खिलाफ कोई आदेश जारी हो रहा हो तो सबके कलम लगातार चलते हैं और चलते ही रहते हैं। तो उसी प्रकार से अनुदेशकों को सुविधा देने के लिए भी आप अपने कलम को चलाइए, अपने कलम से लिखिए और एक इतिहास कायम करिए, बताइए कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उस विद्यालय में काम करने वाला एक शिक्षक महत्वपूर्ण है। जब आप इस प्रकार की बात करेंगे तो हम भी आपके साथ, आपके बातों में हम भी आपके साथ, आप जो आदेश देंगे हम उस काम को करने को तैयार हैं। ऐसे भी उत्तर प्रदेश का अनुदेशक कभी काम से नहीं भागता, हम तो काम करने के लिए विद्यालय में गए हैं, हम तो काम करने के लिए विद्यालय में गए हैं, आप हमसे काम करवाओ ना। लेकिन जो सरकार जो राजपत्र जारी किए हो, उस राजपत्र में जो न्यूनतम मानदेय या न्यूनतम सैलरी की बात है उसको भी तो आपको देना चाहिए। और कितना आख्या लेते हो, प्रधानाध्यापक के द्वारा लगातार आख्या लिया जा रहा है। अरे 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष में भी प्रधानाध्यापक यदि हमारा कार्य व्यवहार नहीं जान पाए, एक पीएचडी भी कोई व्यक्ति 4 से 5 सालों में कर लेता है, लेकिन ये सरकार के प्रधानाध्यापक हमारी कार्य व्यवहार को प्रत्येक वर्ष लिखने का कार्य करते हैं। समझ में नहीं आता है कि कौन सा थेसिस लिख रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। प्रत्येक दिन 2-4 पन्ने का आदेश जारी हो जाएगा और उसी वही आदेश व्हाट्सएप ग्रुप पे चलने लगेगा। और किस प्रकार से अनुदेशक का शोषण हो, किस प्रकार से शिक्षा मित्रों का शोषण हो, सारी की सारी प्लानिंग इसी पे लगती है कि इनका शोषण कैसे हो, कैसे इनको परेशान किया जाए, कैसे इनकी समस्या का समाधान न किया जाए। और आप एक ट्रांसफर का आदेश लाए हो, एक ट्रांसफर का आदेश लाए हो, वो भी आप ऐसा आदेश लाए हो कि मुश्किल से 10% लोगों को भी ट्रांसफर का फायदा नहीं होगा। उसके लिए हमने माननीय एमएलसी साहब देवेंद्र प्रताप सिंह जी से प्रमुख सचिव को पत्र लिखवाया है। अब देखिए उस पत्र के बाद भी सरकार क्या कार्रवाई करती है। तो जब आप एक जनप्रतिनिधि का पत्र है, जनप्रतिनिधि ने हमारी समस्या को सुना, उस पर क्रियान्वित किया और उस कार्य को आगे बढ़ाया, प्रमुख सचिव से बात भी किया, प्रमुख सचिव को लेटर भी लिखा कि आप ये जो 100 बच्चों वाली समस्या है ये गलत है, इसको आप हटाइए और नवीन विद्यालय में अनुदेशकों का वहां भी ट्रांसफर करिए, जहां 100 बच्चे हैं या जहां नहीं है वहां भी ट्रांसफर करिए। अब देखिए माननीय प्रमुख सचिव जी उस लेटर का क्या करते हैं, उस पर कुछ आगे कार्रवाई करते हैं कि क्या करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जब तक प्रयास जारी है, हम लोग जब तक ये ट्रांसफर वाली पूरी प्रक्रिया को हम लोग सही दिशा में नहीं ले आएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, तब तक हम लोग का प्रयास जारी है, आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। और इस पे लगातार सर हम लोग काम कर रहे हैं और इस पे लगातार काम करेंगे।